अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफान, जुलेखाज किचन डॉट कॉम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन, लजीज और उम्दा रेसिपी जिसका नाम है बटर चिकन। स्मोकी बटर चिकन बनाएंगे आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में। जी हाँ, घर बैठे बैठे आप रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। 750 ग्राम चिकन बोनलेस लीजिए। मैं हमेशा थाई पोर्शन लेती हूँ, बड़े बड़े पीस रखे हैं मैंने। चर्बी निकाल ली है, दो तीन पानी से धो लिया है, नितार कर। अब इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, एक छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, एक छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पीसा हुआ साबुत जीरा पाउडर, दो छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। 1/4 कप गाढ़ी दही भी डाल दीजिए, 1.5 टेबल स्पून नींबू का रस, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा रेड फूड कलर आपने डालना है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, और 1.5 या 2 टेबल स्पून चिकन तंदूरी मसाला। वैसे ये घर में बना हुआ, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ढक कर मैरिनेट करने साइड पर रख दीजिए जितना समय आपके पास हो, 1 घंटा 2 घंटा। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा ढक कर। वैसे मेरे पास 2 से 3 घंटे हैं तो मैं इसे ढक कर साइड पर रख देती हूँ। साइड बाय साइड एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, 1 से 2 टेबल स्पून मस्का डालिए, बटर मक्खन जिसे कहते हैं। इसमें डाल दीजिए 1 मीडियम साइज मोटी मोटी कटी हुई प्याज, उसे फास्ट आँच पर 1 से आधे मिनट के लिए फ्राई करें। जब फ्राई हो जाती है तो इसमें डाल दीजिए 4 मीडियम साइज के टमाटर मोटे मोटे काट कर, मैंने इसकी छील निकाल ली है। ये 50 ग्राम काजू है, ये भी डाल दीजिए। एक बार मिक्स कर लीजिए। इसके साथ साथ डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 छोटे चाय के चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, वैसे ये कश्मीरी, अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, और 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर। वैसे ये घर में बना हुआ है, इसकी रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच, सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और इसके साथ साथ डाल दीजिए 1/2 कप पानी और 1.5 छोटा चाय का चम्मच शक्कर। एक उबाल आ जाने दें। जब एक उबाल आ जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर पकने रख दीजिए, जब तक टमाटर नम नहीं हो जाते तब तक, तकरीबन 10-12 मिनट तक। चलिए 10-12 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं टमाटर, और थोड़ा सा सूख भी गया है इसका पानी। तो चलिए इसका चूल्हा बंद कर दीजिए और इसे निकाल कर एक प्याले में साइड पर रख दीजिए ठंडा होने के लिए। वही फ्राई पैन के अंदर 1 टेबल स्पून जितना मक्खन डालें। ये चिकन मैरिनेट होके 1 से 2 घंटा हो चुका है, ये सारी चिकन को डाल दीजिए और फास्ट आंच पर फ्राई करें। तकरीबन 3-4 मिनट फास्ट आंच पर फ्राई करने के बाद इसे पलट लें और उसे स्लो कर दें चूल्हे को और ढक कर इसे पकाएं। आपने तब तक पकाना है जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, तब तक तकरीबन 12 से 13 मिनट में तो चिकन हो जाएगी। जब तक चिकन फ्राई हो रही है, ये मिक्सचर प्याज और टमाटर का ठंडा हो चुका है, इसे मिक्सर जार के अंदर डालकर बहुत अच्छे से बिना पानी डालकर फाइन पीस लीजिए इस तरीके से, और इसे साइड पर रख दीजिए। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया है। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चिकन तो मेरी पूरी तरीके से गल चुकी है, लेकिन हल्का सा सूखना बाकी है तो मैंने चूल्हा फास्ट आँच कर दिया है और इसे ड्राई कर लेती हूँ मैं। अब यहाँ मैं आपको 2 से 3 वेज बता देती हूँ। सबसे पहला वे ये है कि फ्राई पैन के अंदर आप फास्ट आंच पर पूरी तरीके से चिकन को सुखा लें, उलट पलट करते हुए चिकन के ऊपर जब डार्क स्पॉट्स आ जाएं तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। ये एक वे है। दूसरा वे ये है कि मैं यहाँ चूल्हे को कर देती हूँ बंद, मैं ज़्यादा एकदम ड्राई नहीं कर रही हूँ, और इन्हें सीलिए में भर कर मैं इसे डायरेक्टली ग्रिल कर लूँगी। अगर आपके पास स्क्रूवर्स ना हो तो आप ये जो ग्रिलिंग प्लेट है इसके ऊपर चिमटे की मदद से चिकन को रख दें और डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर ग्रिल कर लें, उलट पलट करते जाएं, जब ग्रिल हो जाए तो निकाल लें। अच्छा, मेरे पास स्क्रूवर्स है तो मैं ये जो चिकन है ये सारे भर लेती हूँ 2 स्क्रूवर्स के अंदर, और जो छोटे छोटे उन्हें मैं रहने देती हूँ। साइड बाय साइड मैंने कोयला भी जलाने रख दिया है। अच्छा, अब ये जो चिकन है इन्हें मैं डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर स्टैंड रख कर ग्रिल कर लेती हूँ, उलट पलट करते जाएं, चारों ओर घुमाते जाएं, जब चार्ड इफेक्ट आ जाए, ग्रिलिंग इफेक्ट आ जाए चारों ओर से, तो इन्हें निकाल लीजिए और साइड पर रख दीजिए।
तो चलिए, मेरी सारी चिकन ग्रिल हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इन्हें मैं निकाल लेती हूँ स्क्यूअर्स से और वही फ्राई पैन के अंदर डाल दिया, कटोरी डाल दी और उसके अंदर कोयला जो गर्म साइड पर रखा था वो डाल के क्विकली थोड़ा सा तेल डाल दिया और ढक दिया, और इसमें थोड़ा सा टिश्यू डाल दिया है कि धुआं बाहर ना निकले, और साइड पर रख दिया। अब मैं ले रही हूँ दूसरी पतीली, आप चाहें तो सेम फ्राई पैन भी ले सकते हैं, लेकिन उसे हमने उसके लिए यूज़ कर लिया है डूंगार के लिए। चलिए, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और यहाँ मैं 2 से 3 टेबलस्पून मक्खन डाल देती हूँ, और इसके साथ साथ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अरे, मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, मुझे गरम मसाले भी डालने थे, मैं एक्साइटमेंट में वो डालना भूल गई। यहाँ मैं डाल देती हूँ अभी 2 हरी इलायची थी और 1 छोटी दांडी दालचीनी की और 1-2 काली मिरी थी, और इसे बहुत अच्छे से हल्का तड़तड़ा जाने दीजिए साइड पर, आप पहले ही डाल दीजिएगा। हाँ, और ये थोड़ा तड़तड़ा जाए तो अदरक लहसुन को मिक्स कर लीजिए, और अदरक लहसुन को फास्ट आंच पर फ्राई करें, तब तक फ्राई करें जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब फ्राई हो जाए तो ये हमने जो मसाला पीस के रखा है, जो प्याज टमाटर का मिक्सचर, वो डाल दीजिए। इसे मिक्स कीजिए। चूल्हे को मैंने मीडियम आंच पे रखा है, नमक हमने अभी तक तो डाला ही नहीं है, तो नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, 1/2 या 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और पीसा हुआ साबुत जीरा पाउडर डाल दीजिए, और 1 छोटा चाय का चम्मच सूखी कस्तूरी मेथी को हाथ से इस तरीके से तोड़कर डाल दीजिए। मैं 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। मिक्स कर लीजिए और 2-3 मिनट इसे मीडियम आँच पर पकने दें। जब 2-3 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच। 3 टेबलस्पून मलाई डाल दीजिए, आप बाहर बाजार की भी ले सकते हैं या घर की ऊपर की जो दूध की मलाई आती है गाढ़ी गाढ़ी, वो डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए और ढक कर स्लो आंच पर 2-3 मिनट के लिए पकने रहने दीजिए। यहाँ मैंने 1/4 कप पानी लिया है, और जो भी चीज़ें जिनमें मसाला लगा हुआ है उसे खंगाल कर साइड पर रख रही हूँ। यहाँ थोड़ी देर हो चुकी है तो मैं इसका जो डूंगार है ये हटा देती हूँ, और ये चिकन जो है ये अब हम 2-3 मिनट हो चुकी है यहाँ मेरी जो ग्रेवी है उसे पकते हुए, तो ये चिकन डाल दीजिए। ये जो मसाला साइड पर फ्राई पैन पर रखा था वो भी डाल दीजिए, क्योंकि मैंने छोटे छोटे नहीं डाले थे, और मसाला मैंने थोड़ा, मैंने आपसे कहा था, रहने देती हूँ मैं हमेशा। मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। अच्छा, अब वो जो पानी मैंने 1/4 कप खंगाल के रखा था वो जो जार के अंदर, वो मैंने फ्राई पैन के अंदर डाला है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा मसाला रह गया था। तो अब ये फ्राई पैन को खंगाल कर मैं डायरेक्टली मेरे ये जो ग्रेवी है इसमें डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लीजिए। चूल्हा स्लो आंच पर है, और इसे ढक कर तकरीबन 10-12 मिनट पकने रहने दीजिए, तो अच्छे से सारी चीज़ें एक दूसरे में इम्बाइब होंगी। बीच में 10 मिनट के बाद मैंने खोलकर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है। कुछ रेस्टोरेंट्स में डाला जाता है, कुछ में नहीं डालते, और खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए। हरी मिर्चियाँ आप स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए, नमक चख लीजिए, अगर कम लगे तो डाल दीजिए। अच्छा, अगर बैलेंस ना लग रहा हो तो 1/2 छोटा चाय का चम्मच शक्कर डाल दें, या फिर 1 टेबलस्पून जितना टमाटर सॉस डाल दें। कुछ रेस्टोरेंट सॉस डालते हैं टमाटर केचप, और कुछ शक्कर डालते हैं। ढक कर 1 से 2 मिनट जो बचा हुआ है उसे सिमर होने दें, क्योंकि हमने बीच में खोला था इसे। साइड बाय साइड कोयला जलाने मैंने रख दी हूँ। यहाँ देखिए, टोटल 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद, और मेरा बटर चिकन हो गया है रेडी। लास्ट स्टेप मैं कर रही हूँ, यहाँ डोंगार का स्टील की वाटी रख दीजिए साइड पर, जो कोयला जल रहा है वो इसके अंदर डालकर थोड़ा सा तेल डालिए और क्विकली ढक दीजिए हमारी ये पतीली को। 5 से 10 मिनट इसी तरह ढके रहने दें। 5 से 10 मिनट हो जाए तो ये कोयला को निकाल कर फेंक दें, और ये जो हमारा गर्मा गर्म स्मोकी बटर चिकन बढ़िया सा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे रुमाली रोटी के साथ सर्व करें, बटर नान या लच्छा पराठा के साथ सर्व करें। वैसे इन सब की रेसिपी लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। ये रेसिपी मैंने 3/4 kg की चिकन की बनाई है। आप 1 किलो तक की चिकन यही क्वांटिटी में बना सकते हो, मेजरमेंट्स यही रहेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।